बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे पर मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। मेयर से बात की संवाददाता अमित सिंह ने, उनकी क्या सफाई थी, पक्ष क्या है, सुनिए। हमारे साथ कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जी मौजूद है। प्रमिला जी, क्या हो गया, विवाद यहाँ कुछ हुआ? विवाद ये हो गया कि मैं अभी अंदर से निकली, मैं तो पहले वोट डाल के गई थी, मेरे हस्बैंड अभी आए थे तो हमें व्यवस्था देखने भी मैं गई। यहाँ आए कुछ मीडिया के बच्चे आ गए, अब ये नहीं जाओगे उससे लड़ने लगे, तो आप ये लड़िए मत, आपका काम है, आप मीडिया का कर्मियों का ये काम है कि वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है कि हम वोटरों को निकालूँ और उनको यहाँ तक पहुँचाऊँ। ठीक है, हमारी सरकार थी तभी आज देखने को मिल रहा है कि जो दिव्यांग है उनके लिए यहाँ हमने रखवाई है, व्हीलचेयर कभी रखी गई थी रखवाई, अब आप डिस्टर्ब करोगे तो बात थोड़ा बनेगी। क्या रोका जा रहा है यहाँ पर? जो नहीं रोका नहीं जाता, मास्क लगा कर कुछ लोग नहीं आए हैं। भाई आप मास्क रखवा दीजिए, 1500 मास्क रखवाइए। मैं अगर अभी रखवा दूँ तो अभी दूसरी वाली पार्टी वाले कहेंगे महापौर ने रखवाया, तो आप रखवाइए, लेकिन बात ठीक से करिए और होस्टेज ठीक करिए। सरकार मेरी आ रही है, सरकार बन रही, 300 को ऊपर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये एफआईआर क्या हुई आज? वो हुई होगी, हमें नहीं पता है, वो नहीं पता है, उस पर मैं ना जाऊंगी उसके खिलाफ। अब मैं ऐसी उंगली दिखा रहा हूँ, वो हो गई बात, मैं जाऊँ अपना वोट दिखाऊँ, वोट निकाल। एफआईआर की गई है, अब की गई और देखेंगे। चलिए, प्रमिला पांडे जिन्होंने कहा है कि गलत एफआईआर हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वोटर्स के साथ यहाँ पर गलत किया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर थोड़ा से विवाद भी हुआ है। ब्यूरो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे पर मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। मेयर से बात की संवाददाता अमित सिंह ने, उनकी क्या सफाई थी, पक्ष क्या है, सुनिए। हमारे साथ कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जी मौजूद है। प्रमिला जी, क्या हो गया, विवाद यहाँ कुछ हुआ? विवाद ये हो गया कि मैं अभी अंदर से निकली, मैं तो पहले वोट डाल के गई थी, मेरे हस्बैंड अभी आए थे तो हमें व्यवस्था देखने भी मैं गई। यहाँ आए कुछ मीडिया के बच्चे आ गए, अब ये नहीं जाओगे उससे लड़ने लगे, तो आप ये लड़िए मत, आपका काम है, आप मीडिया का कर्मियों का ये काम है कि वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है कि हम वोटरों को निकालूँ और उनको यहाँ तक पहुँचाऊँ। ठीक है, हमारी सरकार थी तभी आज देखने को मिल रहा है कि जो दिव्यांग है उनके लिए यहाँ हमने रखवाई है, व्हीलचेयर कभी रखी गई थी रखवाई, अब आप डिस्टर्ब करोगे तो बात थोड़ा बनेगी। क्या रोका जा रहा है यहाँ पर? जो नहीं रोका नहीं जाता, मास्क लगा कर कुछ लोग नहीं आए हैं। भाई आप मास्क रखवा दीजिए, 1500 मास्क रखवाइए। मैं अगर अभी रखवा दूँ तो अभी दूसरी वाली पार्टी वाले कहेंगे महापौर ने रखवाया, तो आप रखवाइए, लेकिन बात ठीक से करिए और होस्टेज ठीक करिए। सरकार मेरी आ रही है, सरकार बन रही, 300 को ऊपर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये एफआईआर क्या हुई आज? वो हुई होगी, हमें नहीं पता है, वो नहीं पता है, उस पर मैं ना जाऊंगी उसके खिलाफ। अब मैं ऐसी उंगली दिखा रहा हूँ, वो हो गई बात, मैं जाऊँ अपना वोट दिखाऊँ, वोट निकाल। एफआईआर की गई है, अब की गई और देखेंगे। चलिए, प्रमिला पांडे जिन्होंने कहा है कि गलत एफआईआर हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वोटर्स के साथ यहाँ पर गलत किया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर थोड़ा से विवाद भी हुआ है। ब्यूरो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर।